निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गांव सरावा में। आपको बताना चाहूँगा, जो टी पॉइंट पड़ता है, पाबन रोड जाता है सरावा से और एक सीधा दुसड़का की तरफ जाता है रोड, तो दुसड़का की तरफ जाने वाले रोड पर ये हादसा हुआ है। जो टी पॉइंट से एक रास्ता पावनी की तरफ गया है, उधर से दो युवक अपना जो भी काम था, सरावा के ही युवक थे, वो अपना निपटा कर आ रहे थे, तो एक तेज रफ्तार एक डंपर ने उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से एक जो व्यक्ति था, बताया जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसका जो साथी था सचिन, वो डंपर को रोकने की कोशिश में और उसके साथ साथ चल दिया, जिसकी वजह से हाथ स्लिप होने की वजह से वो भी उस गाड़ी के नीचे आ गया, या ड्राइवर की कुछ भी कह सकते हैं, लापरवाही की वजह से वो उस गाड़ी के नीचे आ गया, जिसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों में खूब आक्रोश है, ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, गुस्से में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये जो दृश्य जो कृत्य किया गया है, ये जानबूझकर किया गया है, आप सड़क पर खून भी देख सकते हैं। तो इनकी मांग भी है प्रशासन से, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ दोस्तों, ग्रामीणों के द्वारा वो जो गाड़ी थी उसको आग लगा दी गई है, पूरी तरह से उसको आग के हवाले कर दिया गया है, और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सढौरा थाने से SHO धर्मपाल भी मौके पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ DSP साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सढौरा SDO भी यहाँ पर मौजूद थे, तहसीलदार सढौरा भी यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन ग्रामीणों की जो मांगे हैं, उनका एक तरह से सबसे पहले तो उन्होंने एक हत्या की धारा लगवाने की जो मांग की है, और उसके अलावा अन्य जो मुआवजे की मांग है, 25-25 लाख पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। और आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ जो ये रोड है, इस पर स्पीड ब्रेकर लगाने की भी एक मांग की गई है। इनमें से जो केस दर्ज करने वाली है, जो मांग है, उसको तुरंत प्रभाव से SHO श्री धर्मपाल जी ने नोट कर लिया, और ये आप जो रिपोर्ट है वो पढ़कर सुना रहे हैं अजय जी, तो आप इसे सुने। रागावासी हूँ जनाब, अति दुख के साथ आपको ये बयान कर रहा हूँ। आज सुबह लगभग 7:30 से 8 के बीच मेरा छोटा भाई सचिन व उसका दोस्त कमलजीत घर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरावा अड्डा की टी पॉइंट पाबनी रोड पर आए थे कि तभी सडोरा की तरफ से एक ट्रक नंबर ये बड़ी तेज रफ्तारी गफलत व लापरवाही से ड्राइवर चलाता हुआ आया। मैं सरावा की तरफ से अपने भाई व उसके दोस्त की बाइक के पीछे पीछे आ रहा था कि मेरे देखते देखते प्रभु ट्रक के ड्राइवर नाम पता नाम मालूम ने अपने ट्रक की सीधी टक्कर मेरे भाई की मोटरसाइकिल में मारी, जिससे मेरा भाई व उसका दोस्त कमलजीत
मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए। वह टक्कर लगने से कमलजीत की मौके पर ही चोटें लगने के कारण मौके पर मौत हो गई थी। वह मेरे भाई सचिन को उपरोक्त ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक के साथ घसीटता हुआ करीब 100 मीटर दूर तक ले गया तथा अपने ट्रक को सड़क पर ही छोड़कर भाग गया था। जो मेरे भाई सचिन की मृत्यु ट्रक के नीचे घसीटने के कारण हुई है, जो मोटरसाइकिल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो मेरा भाई सचिन व उसके दोस्त कमलजीत की मृत्यु उपरोक्त ट्रक के ड्राइवर नाम पता नाम मालूम द्वारा अपने ट्रक को तेज रफ्तारी गफलत व लापरवाही से चलाकर चोटें लगाने के कारण हुई है। जो ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जानबूझकर सचिन व कमलजीत को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल भाई? सारा भाई कर ट्रक का नंबर 74D 65 47। अच्छा सॉरी, ये मोटरसाइकिल का था, एक मिनट जी, ये बाइक का नंबर था 44 45C 81 65। तो ये देख सकते हैं आप, वो बाइक है जिस पर वो दोनों नवयुवक सवार थे। बताया जा रहा है कि एक परिवार में शादी थी और शादी की ही तैयारियों में लगे हुए थे। आज बारात निकलनी थी एक लड़के के चाचा की, के लड़के की जिसकी डेथ हुई है, उसके चाचा के लड़के की आज बारात निकलनी थी, उसी के लिए कटिंग कराने के लिए इधर आए थे। और कटिंग करा कर जैसे ये वापस गाँव की तरफ जा रहे थे तभी अचानक ये दर्दनाक घटना इनके साथ हो गई है। आप देख सकते हैं कांच बिखरा हुआ है, बाइक जो टूटी है उसकी वजह से, और बहुत ही एक दर्दनाक दृश्य कहा जा सकता है। बहुत एक ख़तरनाक मामला ये इनके साथ बना, क्योंकि एक जो युवक है वो करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ उसे डंपर ले गया और 200 मीटर पर जाकर वो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसे छोड़कर फरार हो गया। और बहुत एक उसकी जो बॉडी थी वो अगले टायर के नीचे लगी हुई थी, दबी हुई थी, वो भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा। से हुई है घटना भाई कुछ? भाई यो जो घोड़ा है ना, यो बहुत तेज रफ्तार दे रहा था। ये बेचारे अपने इनका शादी थी आज घर माँ, तनु पता यार बाल बूल सब सेट करवा छोकरो अपने, तो ये बंदे जा रहे थे तेज रफ्तार में था, तो इसका बैलेंस बिगड़ा, यो घसीट दया लेगा भाई। एक लड़का बजन था, यो देख यहाँ से नीचे इंसान पड़ रहा, यो वहाँ तक घसीट दया लेगा उस बंदे ने, तो उसकी वहाँ डेथ होगी जाएगा। तो चालक बजन दा बंदा, अगर ये रोक लेंदा उसने चंगाड़ा मारी की रोको रोको, भागने के चक्कर में था डंपर वाला भाई अपना काम करके भाग गया, और आगे भी 5-7 जरूर मार दा यो, ना रुक दा यहां। स्पीड में था ज्यादा? बहुत स्पीड में था, और स्पीड चलाए तो यार इस रोड पर। तो क्या कुछ मांग है आपकी प्रशासन से? बस प्रशासन से मांग क्या भाई, भी आवागा देखो कौन सा आवागा ना बड़ा अधिकारी, उससे बात होगी, मुआवजा मिलना चाहिए बस इंदू जोन से मरे आए। अच्छा, किस प्रकार का भाई? यहाँ इसका सुधार होना चाहिए, भी अगर कोई घटना ना हो आया, यहाँ तो हो ही रही यार, हर साल ले ले, हफ्ते में ले ले, 10 दिन में ले ले, ही रही है हो ही रही है। मुआवजा किस प्रकार का चाहते हैं आप, पैसों का या नौकरी का या किस प्रकार का? चलो तो प्रशासन जैसा तय करेगा, जैसा यहाँ पर जितने भी गाँव वासी मौजूद हैं, ग्राम वासी, ये सारे करेंगे अपना भाई सोच विचार कर करके, घर परिवार वाले जो कहेंगे ना उस हिसाब से होगा। अब तो देखो इनका SDM UDM कौन आवा, अफसर कौन आवागा बड़ा, तो आश्वासन के बाद आप यहाँ से जाम के लगाया है उसको उठा लोगे अगर आपको आश्वासन मिला? सुन, आश्वासन अगर बड़ी यात्री के लिखित में देंगे आला अधिकारी तो उसमें कुछ हो सका। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकुश है भाई। और ये जो लड़के थे इनका नाम क्या था? एक का नाम सचिन है भाई, एक का नाम कमल है। ठीक है, बहुत बहुत। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिस गाड़ी के द्वारा वो एक्सीडेंट किया गया है उसको ग्रामीणों के द्वारा, आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पूरी तरह से आग लगा दी गई है, और ये धू धू कर जलती हुई गाड़ी, ये धुआं आप देख सकते हैं किस प्रकार से उठ रहा है, और निश्चित रूप से गुस्सा जो लोगों में था कहा जा सकता है कि बहुत ही बेहद आक्रोशित यहाँ पर ग्रामीण थे, और दोनों तरफ रोड के जाम लगा दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर इस वक्त तैनात है, सढौरा पुलिस, और ये लोग आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और एक जो जाम की स्थिति है, वो यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है और पूरी तरह से रोड को जाम कर दिया गया है, पेड़ काटकर जाम लगा दिया गया है, और इतनी भयानक तरीके से एक्सीडेंट किया गया है कि जो एक युवक बचाने की कोशिश में था उसको भी ये गाड़ी खींचकर करीब आधा किलोमीटर लेकर चली है, और फिर जाकर उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ गई, और जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है।
तो बहुत ही एक दर्दनाक कह सकते हैं, भयानक कह सकते हैं इस दृश्य को जिसने भी देखा होगा। और ये आप देख सकते हैं जो गाड़ी से उस युवक को खींच कर गाड़ी लेकर चली है। ये रोड पर आप देख सकते हैं खून से सना हुआ टायर, किस प्रकार से गाड़ी यहाँ आकर रोकी गई होगी और फिर इसमें ग्रामीणों ने, आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा दी और फिर अब ये गाड़ी धू धू कर जल रही है। और जो वो युवक थे जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, वो अभी फ़िलहाल ट्रामा सेंटर यमुनानगर पहुंचा दिए गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि एक युवक उनमें से ऐसा था कि वो उसके चाचा के लड़के की आज रात निकलनी थी और वो नाई के पास बाल कटाने के लिए जा रहा था और अचानक उसके साथ ये हादसा घट जाता है और वो इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गांव सरावां से, बहुत ही एक दर्दनाक मंजर इस वक्त बना हुआ है। तो जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं उन मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझा कर ये जाम खोलने की बात कही, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये जाम नहीं खोलेंगे। तहसीलदार सडौरा इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है ये भी आप सुन सकते हैं। सबसे पहले तो इस परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहुत ही दर्दनाक हादसा है तो जिसके लिए मन सुन के वैसे भी काम उठता है। तो उस परिवार का तो देखो क्या हाल होना है, परमात्मा चलो ने शक्ति दे आगे। और जो बात है जिस ड्राइवर ने जो ये लापरवाही करके इस कृत्य को अंजाम दिया है जी, तो उसके खिलाफ जो है कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो हम प्रशासन की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि जो परिवार जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी तरह उसके साथ पूरी तरह से इंसाफ होगा। बाकी आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि इस जो दुख की घड़ी है उसमें परिवार का भी साथ दें और प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग करें। जी सर, देखिए सर, हम प्रशासन से बाहर नहीं, हम बिल्कुल प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है सर, हमारी ये सारे लोग बैठे हैं, दुख है इनको आज यहाँ पर बैठे हैं कि एक परिवार का एक बच्चा तो उसके घर में उसका पिता भी नहीं है और एक अकेला लड़का था उसकी भी डेथ, घर उसका तो पूरा उजड़ ही गया है। ठीक है सर, और ये दो घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वो आप सबको पता है, ये दुख में यहाँ पर बैठे हैं। हमने एक एप्लीकेशन सडौरा थाने में जनाब को दे दी है, इसमें जो ये कार्रवाई बनती है वो की थी। और दूसरी हमारी जो डिमांड है प्रशासन से कि इसमें 25-25 लाख रुपए दोनों परिवारों को मुआवजा दिए। और अगर आपके पास जनाब इसमें अथॉरिटी है तो हम आप हमें रिटर्न में क्या दे सकते हो वो हमें यहाँ पे संतुष्ट कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हो सर वो भी जनाब हमें बताइए, ये हम आपको रिटर्न में भेजेंगे। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल देखिए सर, हम हाँ जी सर, देखिए हमारा ये कहना है कि हमें कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहा यहाँ। ठीक है जी, और दूसरी बात जो भी ठोस, क्योंकि इस पे जो ना जो अधिकारी होते हैं ना उनकी छवि पे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, झूठा आश्वासन लोगों के मैनेजमेंट के लिए आप हो, अगर आपके ऊपर से यह विश्वास उठ गया ना तो लोग कहाँ जाएंगे, आप ही हो, ठीक है प्रशासन है और आप लोग अधिकारी हो, अगर आपके पास ये मुआवजे की अथॉरिटी है तो ठीक है जनाब हम आपको ही रिटर्न करके दे देते हैं और आप हमें ये रिटर्न करके दे दो। फिर ऐसी कोई अथॉरिटी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन है। हम अपने अधिकारियों से बात कर ले। जी जी, आप वो हमें बता दें, तब तक हम अपनी एक डिमांड सरकार के नियमानुसार जो भी होगा वो तो देखो मिलेगा ही। बिल्कुल, लेकिन अगर एट प्रेजेंट अगर कोई ऐसा मुआवजे की राशि अनाउंस करने का इस समय तो हमारे पास कोई ऐसी। बिल्कुल सर, फिर आप अधिकारियों से एक बार बात कर लें तो यहाँ से उठेंगे कुछ आश्वासन से तो उठेंगे। आगे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कार्यवाही ग्रामीणों के द्वारा की गई है और वो जो मृतक बॉडियाँ हैं वो भी आगे तस्वीरों में आपको नज़र आएंगी। हालांकि मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही एक दर्दनाक वो दृश्य है, दिखाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्लर करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहें आप इस वीडियो में। Thank you.
कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे अजय फिरोजपुर से, जो हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। सर मैटर ये था, ये दो लड़के घर से सामान लेने के निकले अड्डे से, शराब अड्डे से, तो वहाँ से एक सचिन है एक कमलजीत है। जैसे ही निकले पीछे से ट्रक आया, ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद उसको पता लग गया, लेकिन उसने ट्रक को नहीं रोका। एक एक लड़के की तो मौके पे मौत होगी और एक को 200 मीटर तक वो घसीटता हुआ लेके गया, वहाँ मौत होगी। सचिन और कमलजीत की आयु कितनी है? 20 साल की एज है। क्या पता लगा कि घर में कोई शादी थी? असल में घर में सचिन के घर में शादी थी, और जो कमलजीत है उसके घर पे अब कोई रहा नहीं है। वो अकेला लड़का था कमलजीत, उसके पिताजी की भी काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी। उसके घर में खाने कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। अब पूरे घर के अंदर पूरा आंखें नम है सबकी, और पूरे ग्रामीण यहाँ पे रोष प्रकट कर रहे हैं। और ये रोष प्रकट की हमारी डिमांड ये है कि तो इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, बनती कार्रवाई। जो जानबूझ कर उन्होंने ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उनको दोनों को मार दिया गया, वो मुकदमा उसके हमने जो है थाना सडोरा में SHO को मिलके एप्लीकेशन दे दिया। दूसरी हमारी डिमांड यह है कि ये परिवारों को कम से कम आर्थिक सहयोग तो मिले। अब उनके परिवार में खाने कमाने वाला कोई नहीं रहा। 25-25 लाख रुपए दोनों परिवारों को मुआवजा मिले, और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने दोनों तरफ। ये दुर्घटनाएं पहले भी होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी जाँच ही नहीं करता, इनकी जिम्मेदारियों से भागते हैं अपनी। और तीसरा हमारा ये है कि यहाँ पर जो ट्रक माइनिंग वगैरह ट्रक है उनकी टाइम टेबल फिक्स किए जाए, रात की किए जाए 10 बजे के बाद, और सुबह के 4 बजे से पहले किए जाए। वरना दिन में बहुत घटनाएं होती है, बच्चे घूमते हैं, औरतें घूमती हैं, बुजुर्ग रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन ये बिना सोचे समझे ट्रकों को चलाते हैं। असल में जाम हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये जाम रहेगा। जो हमारी डिमांड है, जो मैंने अभी आपको डिमांड बताई है, परिवार को मुआवजा, स्पीड ब्रेकर, और ये हमें जो ट्रकों का टाइम टेबल है, जब तक हमें अधिकारीगण हमें रिटर्न में हमें नहीं देते तब तक ये जाम लगा रहे। तो क्या जो अधिकारी से बातचीत जी DSP जी तहसीलदार साहब से बात हुई थी, तहसीलदार साहब ने ये कहा कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं ऊपर अधिकारियों से, उनकी उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले सके। DSP साहब से भी बात हुई है, DSP साहब ने कहा इसमें पर्चा दर्ज कर देते हैं बढ़ती कार्रवाई का, और रही मुआवजे की बात, वो DC रैंक तक को इनकी पावर होती है वो देखेंगे। तो क्या गुस्सा है लोगों ने यहाँ पर ट्रक को आग के हवाले भी कर? असल में ये भीड़ का मामला है, इस भीड़ के अंदर किसने शरारती तत्व ने ये कार्य कर दिया वो पता नहीं है हमें, किसने किया होगा ऐसा हो गया एक है ना, तो इसकी जिम्मेदार भी प्रशासन है। धन्यवाद। ये चीज़ क्यों है? चलो कोई नहीं।